टेक्सास में स्कूल में फायरिंग, 14 बच्चों और एक टीचर की मौत। रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हथियारबंद शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, गवर्नर ग्रेग एबॉट ने की 15 मौतों की पुष्टि। फायरिंग की वजह साफ नहीं, घटना के बाद स्कूल के ऊपर मंडराते दिखे हेलीकॉप्टर। पुलिस की कई टीमें स्कूल में पहुंची, घायल छात्रों को पहुंचाया गया अस्पताल। स्कूल ने ट्विटर पर की अपील, लोग सहयोग करें, फिलहाल स्कूल ना जाएं। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में आज होगी सुनवाई, सिविल जज करेंगे सुनवाई। आज और कल होगी मामले पर सुनवाई, 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती, इसी समझौते में था जिक्र, बनी रहेगी मस्जिद। हिंदू पक्ष की है मांग, जन्मभूमि से हटाई जाए मस्जिद, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई याचिका। जिला जज करेंगे फैसला, याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं, कल होगी सुनवाई की क्या 1968 का समझौता फर्जी तरीके से किया गया। हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर सारी याचिकाएं निपटाने का दिया है आदेश, जिला अदालत में सुनवाई तेज। ज्ञानवापी केस पर अब कल होगी सुनवाई, मंगलवार को दोनों पक्षों ने दी दलीलें। केस की वैधता पर हुई बहस, कोर्ट ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की पूछी आपत्तियां। फवारे और शिवलिंग के दावे पर भी अलग अलग दलीलें, हिंदू पक्ष ने मांगी सर्वे की वीडियोग्राफी और तस्वीरें। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर में दीपदान की तस्वीरें आई सामने, बड़ी तादाद में लोग जमा दिखे। इसी साल फरवरी की हैं तस्वीरें, हर साल माघ में होता है उत्सव। कुतुब मीनार में पूजा को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई, 9 जून को फैसला सुनाएगी अदालत। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में मांगी दलील, एएसआई कर रहा है पूजा की मांग का विरोध। साकेत अदालत ने हिंदू पक्ष से दागे सवाल, पूछा क्या स्मारक का कैरेक्टर बदलना चाहते हैं, हिंदू पक्ष ने कहा कि मंदिर नहीं बनाना चाहते, बस पूजा की मिले इजाजत। कोर्ट ने पूछा सवाल, 800 साल बाद पूजा की जरूरत क्यों, हिंदू पक्ष का जवाब, 8000 साल बाद भी पूजा करने का अधिकार देता है कानून। और मैंने अंदर ये साबित किया है, उसी में लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले, चीनी पर निर्यात बैन, इस सीजन में 20 लाख टन तक निर्यात किया सीमित, काबू में रहेगी कीमत। लगातार निर्यात हो रही थी चीनी, बढ़ रही थी कीमतें। खाद्य तेलों पर भी सरकार का बड़ा फैसला, 20-20 लाख टन आयात पर कस्टम ड्यूटी फ्री। 20 लाख टन सूरजमुखी और 20 लाख टन सोयाबीन तेल होगा आयात, कीमतें गिरना तय। कपड़े पर भी हो सकता है अहम फैसला, आयात शुल्क में कटौती संभव। पेट्रोल डीजल पर भी हुई थी कस्टम कटौती, गेहूं निर्यात पर भी किया गया था बैन। महंगाई पर विपक्ष ने किया वार, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, महंगाई पहले ही 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, फिर भी राहत तो दूर, रुकने की भी उम्मीद नहीं। डावोस से बोले पीयूष गोयल, महंगाई कम करने पर सरकार का जोर, पेट्रोल डीजल पर किया फैसला, अब राज्यों की है बारी। महंगाई पर विरोध जताने का सपा विधायक का तरीका, विधायक जाहिद बैग साइकिल से पहुंचे विधानसभा। बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तार किए गए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, अदालत ने 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा, कमीशन खोरी का है आरोप। विजय सिंगला पर कार्रवाई के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा संदेश, बोले 1% भ्रष्टाचार भी नहीं होगी बर्दाश्त। विजय सिंगला पर एक्शन के बाद केजरीवाल ने थपथपाई भगवंत मान की पीठ, तारीफ करते हुए बोले आम आदमी पार्टी ने साबित किया कि देश से नहीं करेंगे गद्दारी। भगवंत हमें आपके ऊपर गर्व है, गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है, ना गद्दारी करेंगे ना किसी को करने देंगे।
विजय सिंगला को हटाए जाने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा लोगों को गुमराह करना बंद करें अरविंद केजरीवाल। ज्ञानवापी विवाद के बीच ओवैसी ने फिर खंगाला मुगलों का इतिहास, बिना नाम लिए कहा कौन थी मुगल बादशाहों की बीवियां। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने। ओवैसी के बयान पर बढ़ा विवाद, बीजेपी का पलटवार, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया मुसलमानों का भस्मासुर। ओवैसी ने मुगलों से काटा मुसलमानों का रिश्ता, तो भड़के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी बोले नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। ओवैसी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा, बोले क्या इनके लिए भी शाहजहां और अकबर जिम्मेदार हैं। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात, प्रधानमंत्री बोले वैश्विक शांति के लिए काफी अहम है भारत अमेरिका की दोस्ती। साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक में दिखा चार देशों का दम, पीएम मोदी ने कहा मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात। क्वाड की बैठक में अमेरिका ने चीन को दिया कड़ा संदेश, जो बाइडेन बोले इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जरूरी है स्थिरता। जापान के टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हुए क्वाड नेता, बाइडेन ने बताया लोकतंत्र के हित में काम करने वाला। जो बाइडेन ने कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार के कामों की जमकर की तारीफ, महामारी को लेकर चीन पर साधा निशाना। टोक्यो में चीन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी, क्वाड की बैठक से पहले सड़कों पर दिखे तिब्बत और मंगोलिया के प्रदर्शनकारी। टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने की अगवानी। टोक्यो में जापान और हिंदुस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर हुई बात। टोक्यो में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों नेताओं के बीच है खास लगाव। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस को बनाया निशाना, एक सिपाही शहीद, फायरिंग में 9 साल की बेटी भी घायल। शहीद सिपाही को दी गई भावभीनी विदाई, पुलिस लाइन्स में आईजी ने दी श्रद्धांजलि। सबसे बड़ी बात है कि आज टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया, उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी उसको नहीं छोड़ा, उसको भी फायर किया, वो भी जख्मी हो बेचारी अभी हॉस्पिटल में है। जैश के टेरर मॉड्यूल का खुलासा, अवंतीपुरा में 8 गिरफ्तार, हथियार बरामद। आतंकियों के शिकार कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा, मदद का दिया भरोसा। शिवराज चौहान का दिखा अलग अंदाज, गरीब बच्चों के लिए जुटाए खिलौने। हाथ ठेला गाड़ी लेकर निकले शिवराज, कुछ घंटों की मुहिम में 10 ट्रक सामान जुटा। अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती, समाज अगर जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। आपको अंदाजा था कि इस तरीके से भीड़ उमड़ेगी? विश्वास था। अक्षय कुमार भी शिवराज की मुहिम से प्रभावित, 50 आंगनवाड़ी गोद लेंगे, 1 करोड़ भी देंगे। बुरहानपुर में भी आंगनवाड़ी बच्चों के लिए सामान जुटाने की मुहिम, जिला कलेक्टर हाथ ठेला गाड़ी लेकर निकले। बांदा में सड़क पर अवैध कब्जे पर एक्शन, मुख्य बाजार में चला बुलडोजर। गाजीपुर में भी अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, दुकानों के बाहर का अतिक्रमण हटाया। भडवान में राइस ब्रान ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे मजदूर। आगर मालवा में सहायक परियोजना अधिकारी और पंचायत सचिव रिश्वत लेते हुए ट्रैप, गौशाला चलाने की इजाजत के लिए ले रहे थे रिश्वत। धौलपुर में 2 गुटों में फायरिंग, पुरानी रंजिश में भिड़े दोनों गुट, 3 लोग घायल। यूपी के हरदोई में तेज आंधी के चलते गिरी दीवार, एक शख्स की मौत, 5 घायल।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झमाझम बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बरसात, कांगड़ा में बारिश ने तेज गर्मी से लोगों को दिलाई राहत। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, हाईवे बंद होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी से किसानों को राहत, मई महीने में बर्फबारी से बड़ी ठंड। मंडला में तैयार हुई एक शानदार आंगनबाड़ी, टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए बच्चों को देंगे अक्षर ज्ञान। उत्तरकाशी और गंगोत्री में जमकर बर्फबारी, ठंड में बेतहाशा इजाफा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के छात्रों से की बात, इंडिया एट 75 विषय पर बताए अपने विचार। गोवा के गवर्नर निकले गोवा की संपूर्ण यात्रा पर, पोंडा में लोगों से मिले। सीतामढ़ी में उद्योग मंत्री शाहनवाज का दौरा, लहठी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाने का ऐलान। यमुनानगर में 50 लाख की वसूली की कोशिश, नहीं देने पर दुकान पर चलाई गोलियां। फतेहपुर में एंटी करप्शन टीम का छापा, शिक्षा विभाग का बाबू गिरफ्तार, शिक्षक के एरियर के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। नोएडा में बदमाशों का एनकाउंटर, एक लुटेरे को लगी गोली, राहगीरों को लूटते थे। मेवात में करोड़ों के लैपटॉप चोरी मामले में ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार, 1200 से ज्यादा लैपटॉप चुराए थे। मुजफ्फरनगर में हथियार के बल पर नाबालिग से रेप, पड़ोसी युवक गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह को पकड़ा, चार बदमाशों से हथियार भी बरामद। छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों से सामूहिक रूप से कोयला चोरी करने का वीडियो हुआ वायरल, रेंज के आईजी ने जांच समिति बनाई। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर क्रिकेट खेल रहे दो बच्चे शॉफ्ट में गिरे, दोनों की हालत नाजुक। देहरादून में बैंक अधिकारियों ने ही लगाया खाता धारक को चूना, बैंक प्रबंधक समेत तीन गिरफ्तार। बागपत में मां ने दो बेटियों सहित खाया जहर, बेटे पर लगा था लड़की को भगाने का आरोप, पुलिस की दबिश के बाद दबाव में मां ने खाया जहर। गुजरात टाइटंस आईपीएल के फाइनल में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान ने दिया था 189 रन का लक्ष्य, गुजरात ने 3 विकेट खोकर बनाए। गुजरात की तरफ से डेविड मिलर ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 38 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात की तरफ से चौथे विकेट के लिए 60 गेंदों में 106 रनों की अटूट साझेदारी, आखिरी ओवर की 3 गेंदों पर छक्के। हार्दिक पांड्या का भी जीत में रोल, 27 गेंदों में 40 रन बनाकर आखिरी तक टिके रहे। आर्थिक हालात के मद्देनजर फिलहाल जीएसटी रेट्स में बदलाव नहीं करेगी सरकार, रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से किया जाना था रेट रिवीजन। देश के मशहूर होजरी ब्रांड डॉलर इंडस्ट्रीज के 50 साल पूरे, कंपनी के संस्थापक दीनदयाल गुप्ता ने लॉन्च किया स्पेशल लोगो। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने के लिए इवेंट्स का आयोजन, स्कूली बच्चों को हुनरमंद बाल कलाकारों के साथ परफॉर्म करने का मिल रहा है मौका। अक्टूबर मार्च छमाही में एफएमसीजी कंपनियों को बिक्री में उछाल का भरोसा, बेहतर मॉनसून, कृषि आय में बढ़ोतरी, महंगाई घटने से तेजी का लगाया अनुमान। दिवाली तक मोबाइल कॉल करना हो सकता है और महंगा, टेलीकॉम कंपनियां अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैरिफ में 10-12% तक बढ़ोतरी का कर रही है प्लान। श्रीलंका में जारी है आर्थिक संकट, दवा की किल्लत ने लोगों को किया बेहाल, कई अस्पतालों की हालत दयनीय। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पर टूटा सरकार का कहर, विरोध मार्च से पहले सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार। जापान में क्वाड की बैठक में छाया रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा, जापानी पीएम का बयान, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण, यूएन चार्टर का उल्लंघन। 3 महीने के बाद भी जारी है रूस यूक्रेन के बीच जंग, रूसी हमले में चेर्निहिव में 87 लोगों की मौत, ज़ेलेंस्की का दावा अब भी मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। मारियोपोल में मिल रहे हैं जंग की तबाही के निशान, मलबे से अब तक निकाले जा चुके हैं 200 शव।